जब भी हम बात कर रहे हैं कि यूनिकनेस, कुछ पहचान है, कश्मीर की खालिस पहचान है जो अलग है, मुनफरद है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ साउथ एशिया, आई मीन देर कैन बी मेनी वेज ऑफ लुकिंग एट इट, बट प्राइमरली जहाँ तक मेरा अप्रोच है, इट इज़ लोकेटेड इन द जोग्राफी ऑफ द रीजन. बिकॉज कश्मीर, अगर आप देखें, कश्मीर जो है, इट्स अ लैंड विच इज़ लोकेटेड विद इन द माउंटेंस, इट्स अ लैंड विच इज़ सिक्लूडेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सराउंडिंग, साउथ एशिया से अलग है. लेकिन ये एक वो लैंड भी है विच इज़ ऑन द रूट, ट्रेवल रूट, ट्रेड रूट्स, जो आपके शहरा अब्रेशम से निकल के हिंदुस्तान, बरसगीर हिंदू पाक में आ रहे हैं, या देर गोइंग टू फर्दर टूवर्ड्स द वेस्ट. सो ओवरऑल जो आइडिया है वो ये है कि कश्मीर की जो जोग्राफी है, इसकी जो प्लेसमेंट है, उसने इसे एक यूनिक आइडेंटिटी बनाने में, एक मुनफरद आइडेंटिटी बनाने में काफ़ी अहम रोल अदा किया है. ये लिसानियात पे नहीं दारमदार है, इट्स नॉट ऑन रेस, इट्स प्राइमरली ऑन जोग्राफी. सो आई वुड से कि अगर आप देखें नीरमत पुराना से, आप देखें कल्हना तक, कल्हना से फिर हमारे जो मुसलमान मौरखीन आए हुए हैं, इनफैक्ट अब्दुल पीर हसन शाह खोहामी जिन्हें 19वीं सदी में अपनी तारीख लिखी है, हमेशा इस ज़मीन का जिक्र जो है बहसियत एक फरदोस, एक जन्नत नुमा ज़मीन की हैसियत से हुआ. एंड देन उसके साथ और भी काफ़ी कुछ एट्रीब्यूट्स आपने एसोसिएट किए हैं कि इनकी ज़बान, इनकी तहजीब, इनका रंग, इनकी नस्ल वगैरह वगैरह, विच ऑल एड टू दैट यूनिकनेस. बट प्राइमरली मैं कहने का मतलब यही है कि कश्मीर की जो यूनिकनेस है वो इसकी सरहदी हदूद की वजह से, कि जो एक जहलम वैली सिविलाइजेशन आप कह सकते हैं, कल्चर कह सकते हैं, वो मुझसे वजूद में आया, जो बाकी बरसगीर हिंदू पाक से बिल्कुल मुनफरद भी है, अलग भी है. तो अगर आप ऐसे देख लेते तो ऐसे तुम कहते हैं कि बुलबुल शाह ये पहले शख्स हैं जिनकी वजह से रंचना ने इस्लाम कबूल किया, इस्लामी सल्तनत कश्मीर में वापस हुई. लेकिन बुलबुल शाह या शहमीर की कश्मीर में मौजूदगी ख़ास इस चीज़ की अक्कासी भी है, इट्स एविडेंस कि यहाँ पे मुसलमानों का वजूद था. ये वजूद कब से आया है, तारीखी तौर पे आप देखेंगे कल्हना की, अगर आप देखें तारीख, उसमें किंग हर्षा जो है उसकी जब ये जिक्र हो रहा है तो वहाँ पे भी आपको हवाला मिलता है कि कुछ तुर्क यहाँ पे थे, विच इज़ प्राइमरली मुस्लिम. बट अगर मटेरियल एविडेंस देखें तो दो चीज़ें हैं. एक हमारे यहाँ पर आलची है, जो कहा जाता है कि 9वीं से लेके 13वीं सदी तक ये मॉनेस्ट्री है, बुद्धिस्ट विहारा है, इस ये तामीर हुई थी. इसके जो तामीरकार थे वो कश्मीरी थे, यानी अगर इस कशिश में बनो यूमो ये बनो तुम अस कशिश तुम ड्राई कशीर पर तो बनो क्या, मगर बनो क्या अत मज सारे खुद इम्पॉर्टेंट चीज़ इस अत मज फन नुमाइश लबन पेट जो इसके म्यूरल वर्क है. एंड अगर आप वो देखें ये 9वीं सदी में है, जबकि अगर हम ऐसे देखें कश्मीर में इस्लाम का वजूद नहीं, लेकिन इनका जो लिबास है, यानी ये फिगर्स आप देवारस पर बने हुए थे, जो फिगर्स वहाँ पे हैं, अब्बा पहने हुए हैं, तरीज एक ये गारमेंट है जिस पर कि अरबिक लिखी गई है, वो सब की नुमाइश हो रही है. सो ये कहने का मकसद है कि ये ख़ास आलची का जो इन्वायरमेंट है, ये हमें ये कह रहा है कि इस वक्त वो जो कारीगर थे, या तो वो खुद मुसलमान थे, या उनका इतना सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन था मुस्लिम सिविलाइजेशन से कि दे कुड पिक अप ऑन जो आइकोनोग्राफी, यानी जिस तरीके से उन्होंने ये नुमाइश की थी दीवारों पे, वो खासी मुतासिर है इस्लामी सिविलाइजेशन से, कल्चर से उस वक्त का. देन और भी कुछ रेफरेंसेस मिल रही हैं, यानी कुछ टेक्सचुअल रेफरेंस मिल रही है. एक किताबुल अजाइब है, उसमें भी एक जिक्र आ रहा है कि कश्मीर के एक हिंदू बादशाह ने अब्बासियों से, बनु अब्बासियों से जो उस वक्त बगदाद में खलीफा थे, उनसे दरख्वास्त की थी कि आप हमारे यहाँ पे किसी एक शख्स को भेजे जो इस्लाम की तालीम दे. एंड कहा जाता है कि बाद में एक इराकी, बगदाद से इराकी शायर को यहाँ भेजा गया था, उनने बादशाह के लिए इस्लामी फिक्का पे कुछ लिखा, कुरान की एक तफसीर भी की. तो ये कुछ जिक्र आ रहा है. मटेरियल एविडेंस एक और है, जिसे हम आम पर कहते हैं कि एक कुरान का नुस्खा है फतुल्ला कश्मीरी से वाबस्ता है, लेकिन वो इतना क्लियर नहीं है कि क्या ये सही में उसी वक्त का है या बाद का है, खत बिहारी में लिखा गया. बट पेवर प्यूट है कि तो ये वनत कि कश्मीर में से वारिया अच्छा वाहदात मिला कि ये उस मुसलमान खालिस जमात यम पन्नस दरबारस पे तो असर उस त्रोमुत कम्यूनिटी सोशल सोसाइटी है तथ पे तो पुन असर त्रोमुत ये कम्यूनिटी कर आए वजूद मे ये हूँ वन क्या मगर नई सदी पे शवादात मिलान कि आशीर मे उस मुसलमान हूँ तो वजूद. देखिए कहने का मकसद ये है कि अगर आप कश्मीर की जामिया मस्जिद देखें, फिर आप दिल्ली की जामिया मस्जिद देखें, आगरा की जामिया मस्जिद देखें, नीचे जाइए भोपाल हैदराबाद जाए, या मगरबी तरफ जाए लाहौर में देखें और कहीं देखें, तो जामिया मस्जिद वहाँ पे भी बनी है, जामिया मस्जिद श्रीनगर पे भी बनी है, जो तारीखी जामिया मस्जिद हमारी है
सुल्तान सिकंदर के वक्त से बनी हुई है, शहमरी दौर में पहली जामा मस्जिद है जो कश्मीर में आज वजूद में। तो कहने का मतलब है कि इस अमिक तर्ज तमीर यह बिल्कुल मुनफरद तम तर्ज तमीर नश हिंदुस्तान मज मिल या पाकिस्तान मज मिल अगर बह मुल्क कत कर मस्जिद सोए मस्जिद जामा मस्जिद जो जुमा मस्जिद खतर इस्तेमाल कर मगर उस अमिक फन तमीर उस अमिक बेसिकली विजुअल इमेजरी सोरी कशीर मज लोकेटेड प्लान उस अमिक ईरानी तर्ज आम पे वनान ईरानी मस्जिद या इट्स नोन एज एन ईरानी मॉस्क बट उस अमिक शक्ल ब्रांग तुम खालिस कशीर हम तो यह सिर्फ जामा मस्जिद ये अगर आप देखें आपकी जो बाकी खानकाह हैं आपके जितने भी आस्थान हैं जितनी भी तारीखी इमारतें मुस्लिम मज़हब से वाबस्ता मुस्लिम कल्चर से वाबस्ता वो सब की सब अक्कास है एक फन तामीर की जो मुनफरद है बिल्कुल बाकी फन तामीर से जो इस्लामी दुनिया में से वाबस्ता है चाहे वो ईरान हो चाहे वो साउथ एशिया हो। इसकी जो आपकी कंटिन्यूटी देखते हैं वो कश्मीरी हिंदू टेम्पल से है। अगर आप रंग देखें उस कशन आस्थान खान कहान मस्जिदन पे तारीखी पे पटकन ब्रांग उस आसान वन तो यह बिल्कुल सो पिरामिडिकल फॉर्म उस अकिस टेम्पलस मस कन मन बनान फर्क ये कशीर हम ज़्यादातर मस्जिद तुम लकड़ि मज बनीर हम ज़्यादातर टेम्पल अस मौजूद तुम से कन मज बन मगर ओवरऑल उस अमुक तर्ज तमीर ब्रांग पश चाल से शक्ल सो अकिस टेम्पल दुम चीज कि ये वन काफ़ी कम ये कह पान आस्थान मज या मस्जिद मज कतर ब्रंग आसान या दस्तार तेज वन आम कशिर पे कतर ब्रंग बिल्कुल तिथि ये आसान चोतन लुक आजकल ग ट्रैवल खतर लद्दाख वद्दाख तुम्हें वत पे तुम चोतन ही बनत अगर तिहज शक्ल वो इन कतर ब्रंगन वो बिल्कुल हूबहु ही सो वन मतलब कि कशीर हुन यूस इस्लामी फन तमीर एम ये बुद्धिस्ट तो हिंदू मजहब तमीराती नुक्त तम अपन तमन दुन सॉर्ट ऑफ उसी को टुक इट फॉरवर्ड सो इन अ वे इट इज़ अ मुस्लिम फंक्शनल रिक्वायरमेंट यानी उस फंक्शनल रिक्वायरमेंट सो इस्लाम तुम नमाज पढ़ नमाज कित पढ़ो किबल रुख गसन मगर अमिच शक्ल सूबहू तिस अकिस हंदिस रवायती मंदिरस या अकिस चौतन आप देखें कि जब बरसगीर में या दिल्ली सल्तनत कायम हुई तो सबसे पहली जो तामीर हुई थी वो एक मस्जिद थी जामिया मस्जिद थी जिसे आजकल हम कुतुल इस्लाम मॉस्क कहते हैं उसके साथ कुतुब मीनार के साथ है हौज खास के पास ये अभी है। तो उस मस्जिद की तामीर एंड जो कुतुब मीनार है अगर आप देखें उस पर एपिग्राफी गए बेसिकली के आपके कुछ कुरानी आयात होंगी या हदीस हैं या कहीं कितने लिखे गए हैं विच इज़ बेसिकली स्क्रिप्ट विच इज़ टेलिंग यू अबाउट दिस मॉस्क। जहाँ तक कुतुब मीनार का उसकी जो टोटल लैंग्वेज है आई मीन वो कुरान से ही ली गई हैं आयात लेकिन वो हैं जिनमें गैर मुस्लिमों को तंबीह की गई है कि अगर आप इस्लाम ने अपनाए तो आपके साथ ऐसा ऐसा होगा। इसके बरक्स अगर आप कश्मीर में देखें तो हमारी जो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एग्जांपल है एपिग्राफी की वो एक तो आपको मिलती है मदीन साहब के पास एक छोटी सी मस्जिद है जो अब गैर आबाद है दूसरी मदीन साहब की मस्जिद है तीसरी है एक मस्जिद मलिक अहमद यतू साहब के यहाँ पर मलिक साहब में है ये भी डाउन टाउन श्रीनगर में ही है। तीनों जगहों पर जो हदीस है दोनों जगहों पर जो हदीस है वो बेसिकली इट इज़ अपीलिंग टू योर सेंस ऑफ पाइटी यानी आपको इस्लाम की ओर दावत दे रही है सो ये मुनफरद है। अगर आप देखें टेक्सचुअल टोन जो है इस का हदीस का वो टोटली डिफरेंट है जो कुतुब मीनार पे यूज़ है। सो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि कश्मीर में इस्लाम जो है ये काफ़ी असिमिलेटिव है आजकल काफ़ी नई तारीखें आ रही हैं कुछ मूवियाँ भी आ गई हैं जिनमें ये कहा जा रहा है कि इस्लाम का जो वजूद कश्मीर में आ गया ये एक हिसाब से इट वाज डिस्ट्रक्टिव ऑफ ओल्डर सिविलाइजेशन लेकिन अगर आप इस्लामिक फन तामीर जो सल्तनत पीरियड से अभी भी कश्मीर में मौजूद है देखें आप देखेंगे कि मुस्लिम कल्चर मुस्लिम आर्किटेक्चर जो है इट शोज अ कंटिन्यूटी यानी ये पुराने के साथ एक हिसाब से डायलॉग में है यही इस्लाम की खसूसियत है कश्मीर में। अगर इतकन वन हो कि कश्मीर में इस्लाम जबरन व करहन आमुद के यह इस्लाम उस ये क्यों मशाइको सूफी बुजुर्गों बाक्यों फैलो पे तबलीग समच मिसाल फन तमीर मे अगर कशिर मुसलमान आई तिहन सिर्फ मकसद उस पान पान थवान तम अलग
ییٚتہِ کہِ یِم بُدھِسٹ تہٕ بَٹ ہِندوٗ حضرات یِم ٲسۍ تِہِنٛدِ ثقافت نِش. تیٚلہِ گۄڈنِکی چیٖز یُس آسہِ ہا کہِ یُس تِم تعمیٖر اَپناوَن سُہ آسہِ ہا بِلکُل الگ یِتھ کٔنۍ باقٕیَن جایَن گوٚو. مگر ییٚتہِ یُس رِوٲیتی فَنہِ تعمیٖر اوس یِمو اَپنوو سُے. فرق گٔے یِژھ یَتھ کہِ اگرے اَکھ ٹٮ۪مپٕل آسہِ ہا تَتھ منٛز آسَن آیڈَلٕز یعنی تَتھ منٛز آسہِ ہا اِنسان سٕنٛز نُمٲیِش کٔرِتھ. سُہ آیہِ نہٕ کَرنہٕ کینٛہہ, زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ آیہِ قۄرانٕچ یا کینٛہہ حدیٖث آیہِ لیکھنہٕ یِمَن مسجِدَن منٛز. بَٹ اوٚوَر آل اگرَے وٕچھو شَکلو صوٗرت چھِ لگ بگ ہِشی. اَوَے چھُ اَکھ پرٛابلِم گژھان کہِ یُتھُے أسۍ کُنوُہمہِ صٔدی منٛز یا وُہمہِ صٔدی منٛز ؤتھۍ, یُتھُے یِم ڈِسکورسٕز ؤتھۍ اِسلام ہِندوٗزٕ وغیرہ وغیرہ بیٚیہِ نیشنیلٹی مُتعلِق, ییٚتہِ آو اَکھ تاثُر پٲدٕ کَرنہٕ کہِ کیٛازِکہِ سٲری کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ پرٛٲنۍ یِم تعمیٖرات چھِ, مسجِد چھِ, خانقاہ چھِ, یِم چھِ لگ بگ تِتھی یِم ہِندوٗ ٹٮ۪مپٕل چھِ. اِسلیے یِم حظ چھِ سٲری ہِندوٗ ٹٮ۪مپٕل یِم حظ جبرَن آیہِ قبضَس منٛز نِنہٕ تہٕ یِم حظ بَنٲوِکھ پوٚتُس مسجِدٕ یا خانقاہ. یہِ چھَنہٕ صحیح کَتھ کیٚنٛہہ. اگرے تُہۍ تحریٖکی طور پٮ۪ٹھ کٲشرو یِم معمار ٲسۍ مُسلمان تِمو بَنوو تِتھَے کٔنۍ یِتھ کٔنۍ کٲشرو معمارو یِم ہیٚنٛدۍ ٲسۍ بَنوو. سو یہِ چھُ ہاوان کہِ دیر اِز اَ تسلسل, دیر اِز اَ کَنٹِنیوٗٹی اِن ٹُو سِولایزیشَن. آ فیتھ بَدلے بَٹ اوٚوَر آل دیر اِز اَ کَلچرَل سِنکرِٹِزٕم اَتھ پیٖرِیَڈَس منٛز. جامع مسجد یہاں کا تعلق ہے تو کچھ تاریخیں ایسے کہتے کہ جیسے رنچن کی مسجد ہے اسے بھی ایک کہیں پہ جامعہ کا نام دیا گیا, یا کوئی پھر کہتا ہے کہ سلطان قطب الدین کے وقت میں بھی جامعہ بن گئی. بٹ زیادہ تر آثار یہی کہتے کہ جو آج کی جامعہ مسجد ہے یا بڑ مسجد یتھ وَنان چھِ, یہ کشمیر کی پہلی جامعہ مسجد ہے, سلطان سکندر نے بنائی تھی. اینڈ اس کی تعمیر میں میر محمد ہمدانی کا ہاتھ رہا, ساتھ ساتھ میں ان کے دو سارٹ آف اصحاب جو تھے, ان کے جو انصار تھے, وہ بھی اس مسجد کی تعمیر کے ساتھ وابستہ رہے. اس مسجد کا جیسے میں نے پہلے کہا جو پلان ہے یعنی اس سمت نقش شو, اٹ از نون ایز این ایرانین ماسک. بیسکلی یہ ایران میں اس مسجد کا سارٹ آف اوریجن ہوا عہد سلجوق میں. اینڈ اس کی پہلی جو مسجد ہے جو اس ڈیزائن پہ بنی ہے وہ جامع اصفہان ہے. برصغیر ہند و پاک میں پہلی مسجد جو اس طرز پہ بنائی گئی ہے وہ بیگم پوری کی مسجد ہے کہ دلی میں تغلقوں نے بنائی تھی. اس کے بعد کشمیر میں یہ مسجد بنائی گئی, لیکن جیسے میں نے پہلے کہا اس کا جو بیسک پلان فارم ہے وہ ایرانی طرز کا ہے, جس میں آپ کے ایوان ہیں, چار ایوان چار کارڈینل ڈائریکشنز میں, اینڈ دین یو ہیو دیز واٹ یو کال دیز مینارس انٹرنس کے. بٹ اگین آپ دیکھیں کہ اگر یہ ایران میں ہوتی تو دو فرق ہے, اکھ آسیا اتھ پٮ۪ٹھ گنبد, بیٚیہِ آسن اتھ والٹ. مگر کٔشیٖرِ منٛز آو اَتھ منٛز بیٚیہِ سُے پَنُن مُنفرِد برٛنٛگ ترٛاونہٕ یُس اَسہِ آستانَن منٛز چھُ, یُس اَسہِ مسجِدَن منٛز چھُ. سو اس مسجِد کی بعد میں کافی بار ییٚتہِ گٔے نظر آتش, کافی بار شہید ہو گئی ہے مغلوں کے پیریڈ میں, جہانگیر کے پیریڈ میں ہوئی, اس سے پہلے بھی ہوئی تھی, دین اورنگزیب کے پیریڈ میں بھی ہے. اورنگزیب کے پیریڈ میں اس کی آخری اثر نو تعمیر ہوئی ہے. سو اٹس ویری ویل نون کہ اورنگزیب اپیرنٹلی سیڈ کہ چنار چھا ٹھیک مسجد ہے کانٛہہ تہٕ بٔنِتھ, مگر چِنارَن کیٛاہ بَنہِ. بَٹ دین دیر واز اگین ڈیرلِک سِکھس اینڈ کافی ٹایم پہ سِکھ دور میں یہ سارٹ آف بند کی گئی تھی عوام کے لیے, دین کافی خستہ بھی ہوئی تھی. دین 1930 کے اراؤنڈ اس کی اثر نو تعمیر ہوئی تھی, جس میں انگریزوں نے کافی مدد کی تھی. ایس آئی کے لوگ تھے, ایوری جان مارشل سر جان مارشل تھے جن نے اس کی سارٹ آف تجدید میں مدد کی. اینڈ اگر آپ دیکھ لیں کہ کہتے ہیں عام کہا جاتا ہے کہ کیا اس کی مسجد اس واریاہ خراب وۄنۍ آیہِ امہِ وقتہٕ سیرِ اَننہٕ. سیر ٲسۍ یِوان مہراج گنج اَننہٕ, مہراج گنج پٮ۪ٹھ ٲسۍ یِمن یِم پیوان نکھن تُلٕنۍ نَوِٹ تانۍ. یہِ باسیٚو یِمن تھوڑا مُشکِل کٲم, انگریز ٲسۍ اِنجیٖنر ٲسۍ ٹھیٖک ٲسۍ, تِمو أنۍ ریٖڈ. یُس ریٖڈ آز کَل عام چھِ کٔشیٖر منٛز پَکناوان ترٛویٖل ٲسِتھ, یہِ ریٖڈ چھِ اَمے وِزِ آمٕژ وُہمہِ صٔدی منٛز, یُتھُے مہراج گنجہِ پٮ۪ٹھ سیر آے نِنہٕ نَوِٹ تانۍ. اَتھ منٛز چھِ کیٚنٛہہ سیر, اَگرے تُہۍ وٕچھو مہراج سیر, کیٚنٛہہ چھِ ڈَبٕل سیر تہٕ اِستعمال یِوان کَرنہٕ, کیٚنٛہہ سیر چھِ اَتٮ۪ن اَرداہ آنٛچہِ تہٕ. سو اوٚوَر آل اگرے تُہۍ وٕچھو کہِ دِس اِز وَن آف موسٹ یوٗنیٖک اینڈ سب سے لارجسٹ مونومٮ۪نٛٹ اِن ٹٔرمٕز آف اِٹس پٕلان اِن کشمیٖر. پَتہٕ مسجِد یۄس چھِ کہِ یہِ چھُ اَکھ مسجِد یُس کٲفی فسانَن منٛز مشہوٗر چھِ, کیٛازِکہِ اَتھ مُتعلِق چھِ واریاہ فسان کٲشرو بَنٲومٕتۍ یَتھ نہٕ تاریٖخی طور کانٛہہ حقیٖقت چھِ. اَوَلَن چھِ یِوان وَننہٕ کہِ یہِ چھِ نوٗر جہانَن بَنٲومٕژ, یہِ چھَنہٕ تاریٖخی حقیٖقت کیٚنٛہہ. بیسِکلی یُس مسجِدُک تعمیٖر چھُ تہٕ یُس طرز سُہ, یہِ چھُ وَنان کہِ یہِ ہیٚکہِ عہدِ شاہجہانٕچ ٲسِتھ, نہ کہِ جہانگیٖر سٕنٛدِ وقتٕچ. باقٕے یُس أسۍ وَنان چھِ کہِ نہ حظ نوٗر جہانَن ہو کھۄرَس کُن وغیرہ, تِم چھِ سٲری فسانہٕ یِم اَسہِ کٲشرو کُنوُہمہِ اَردٔہمہِ صٔدی منٛز اَتھ مسجِد مُتعلِق بَنٲو. مگر اگرے تُہۍ وٕچھِو یہِ چھِ اَکھ تعمیٖر یۄس بِلکُل جہلمہِ کِس بٔٹھِس پٮ۪ٹھ چھِ, یہِ چھِ جہلمہِ کِس بٔٹھِس پٮ۪ٹھ خانقاہ مولاہَس بِلکُل ہوٗ بہوٗ اَپار. یَپار چھُ خانقٲہٕچ تعمیٖر, اَپار چھِ جام پَتھر مسجِدٕچ تعمیٖر. یورٕ چھِ لٔکرِ ہٕنٛز تعمیٖر, اورٕ چھِ کَنٮ۪ن ہٕنٛز تعمیٖر. سو اگر آپ دیکھیں یہ دو مُختلِف
ममलिकतों दो मुख्तलिफ तहजीबों की अक्कासी कर रही है जहलम के किनारे, एक तरफ वो दिल्ली दरबार की अजमत व शान है, एक तरफ वो जो कश्मीरियों ने खुद अपनी अकीदत से तामीर किया था जो इस साइड पर। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ एन मॉस्क आर्किटेक्चर, बट इट इज़ समथिंग दैट इज यूनिकली नॉट सूटेड टू ईदर द कल्चर और दी एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ द एरिया। ये खानकाह नूरबख्शी है, इसकी अभी कोई वजूद है नहीं। सो बेसिकली ये बाद में आई थिंक 16वीं सदी में एक दो बार शहीद की गई थी, उसके बाद है नहीं। बट एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि ये एक वाहिद खानकाह जिसका हमें काफ़ी तफसील मिल रही है आर्किटेक्चर के हवाले से, इन द सेंस टेक्सचुअल काफ़ी इंफॉर्मेशन कि मस्जिद कैसी थी, खानकाह कैसी थी, दो मंजिला थी। एंड क्योंकि जिस सिलसिले से ये वाबस्ता थे वो एक ईरानी सिलसिला है, तो उनने काफ़ी ये कोशिश की थी कि ये हूबहू वैसी हो जैसे कि एक ईरानी खानकाह हो। तो इसमें इसके तذکرے में आया है तोहफतुल अहबाब में कि इसमें कोई सुतून नहीं है। अगर आप देखें कशीरन की तहत प्राण मस्जिद से प्राण आस्थान से मन मच अदर थाम अगर मस्जिद वो फुट या थ्रू फुट अलाव आस अच्छो मंजस आख थाम सोर थाम या शह थाम या वारिया यूजन तालो या पे दर मगर यम शुबान लुकमत आत्म के तामीर मस्जिद नहस एम किस तामीर मस्जिद नहस आने का सतून इस्तेमाल करना। सो विच शोज कि इधर इट वॉज अ वॉल्टेड स्ट्रक्चर और इट वॉज कुबदार स्ट्रक्चर मगर है को नजाद बनी थी क्या सी शर्म किस मौजूद की। सुलेमान टेंगस पे चो तो ये शंकराचार्य दप बेश काफ़ी शहादत के अतन अस अख मस्जिद तो इस पोतुस सिख या डोगरा डोर दौरस मज आए पोतुस मुनहदम कर योतः तान शंकराचार्य तालुक ये अच्छे जता अख चु बेस इस बिल्कुल तीर से इतक हिंदू पीरियडस मज ये सतमें अठमें नईमें सदी में हिंदन फन तमीर अस बट इसका जो सुपर ट्रस स्ट्रक्चर है जो आज का टेम्पल है वो बेसिकली अहद सलातीन की तामीर है। एंड वहाँ पे अंदर एक कॉलम होता था, एक सतून था पत्थर का जिस पे उस मेमार का भी नाम था जिसने ये बनाई थी और सन्ना भी दिया गया था विच हैज़ बिन डॉक्यूमेंटेड यानी अमिश तारीखी शहादत असमिलान की क्या उस लेकिन बट रिसेंटली 2 साल पहले मैं वहाँ पे गया था ये फिलर शो आमद बदलान या पेट फारसी में इबारत आसी आमद शो बदलान मगर ये मेमार उस आई थिंक अगर मेरी इफ आई रिमेंबर करेक्टली एम शनाव ख्वाजा मरजान एम सन कबर से बहाद्दीन सबन मजार कलानस मस तथ तो एम सन खुतबस पे एम सन नाव लेकिन रिसेंटली एक कलीग थे मेहरान उन्हें काफ़ी रिसर्च इस पर किया था। सो इट केम आउट कि तम सन ये बनोमुत तम सन कबर से मज़ार सलातीन मज बट अगेन इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्राम रिवायती हिंदू तामीर उस आसान बिकॉज इट अगेन शोज हाउ थिंग्स वर हैपनिंग इन दिस सल्तन पीरियड। कोहे मारान बेसिकली कोहे मारान यह तारीखी शवादत असमान चूँकि यह शहर श्रीनगर अख पर्वत पूरा उस इतनसी अम किसी दामनस पे बनोमुत तम पे असमान शवादत तोहफतुल अहबाबस मज के अत मज़ार बेच अत खान का क्या शेख इस्माइल कुब्रवी सुंद बेस क्या खान का अम किस दामनस पे पोतुस मखदूम सबन आस्तान अतन वाबस दैट इज़ द मोस्ट हिस्टोरिकल प्लेस देर बट यूथ मुगल आई तम रूद कह कल शहरस मज यानी इन सोलजर तम शहर मज लुक हिंदन गरन मज ठहरान आम तम सो थोड़ा तनाज तो लुकन तो गई थोड़ा अजियत बेर मज थोड़ा वन तो दे रोज सर्टन रेजिस्टेंस टू मुगल रूल मुगलों बनो पन खतर अलग शहर यथ वन नागर नगर अत आई फसील दिन सो देर इज अ दीवाल ऑल अराउंड द रैम्पेंट वॉल विच एग्जिस्ट इन स्टिल विच वी कॉल इन कलाई इन कश्मीरी वो अभी भी वहाँ पे फोर्ट जहाँ तक फोर्ट का ताल्लुक है तो जहाँ तक मुगल तस्कर है उस पर ये हवाला मिल रहा है कि इसकी जो सॉर्ट ऑफ स्लोप्स थी फुट हिल्स पे उन पर मुगलों ने काफ़ी सारे तामीरात किए जिनमें उनके एटलियर्स थे महल थे शहजादों के महल थे गैरसन था वगैरह वगैरह था कुछ मस्जिदें भी थी दो अभी भी मौजूद है बट फोर्ट का जो निचला तबका है अगर आप जाएंगे मखदूम साहब के ऊपर से थोड़ा वहाँ पे कुछ कुछ मिलता है वो शायद मुगल की तामीर है बट जो बिजाती आज का फोर्ट है वो अफगान दौर में सदारत मोहम्मद खान के टाइप है वो खुतबा भी वहाँ लगा तो अफगान दौर का फोर्ट है काफ़ी तारीख भी रहा है इन द सेंस एक अफगान बादशाह यहाँ बाकिया थे वो वहाँ पे काफ़ी टाइम तक रहे थे तो बट जनरली एज अ फोर्ट इट इज़ नॉट वेरी मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चुअली उसमें कुछ खास अहमियत है नहीं बट हाँ श्रीनगर पे इट कमांड्स अ व्यू ऑफ श्रीनगर सिटी। आई मीन इट्स वन ऑफ द एक तो यह है कि ये कश्मीर में पहली दो तबका खान का है
जो पहली दो मंजिला खानकाह थी वो शेख इस्माइल कुबरा की खानकाह थी। एंड यहाँ से काफ़ी जैद उलमा निकले हैं, काफ़ी मशाइख निकले हैं जो कश्मीर में, जिनने काफ़ी असर रसूख रखा है कश्मीर की पुल तारीख पर, वो वहाँ से निकले हैं। इनफैक्ट बाबा शेख इस्माइल कुबरा के बाद उनके जो फर्जंद थे शेख फतोल्ला या बाबा फतोल्ला, कुछ भी बता दें, उनने भी यहाँ पर तबलीग की, उनके भी खानकाह से काफ़ी मशाइख निकले हैं, उलमा हजरात निकले हैं। सो उस हिसाब से ये कहना कि इट्स इम्पोर्टेंट इज़ इट इज़ कश्मीर में, लेकिन काफ़ी और भी खानकाह थे। एंड ये भी याद रखें कि प्राइम खानकाह जो कुबरियों की है कश्मीर में, वो हमेशा खानकाह मौला रही। सो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ एन ऑफ शूट ऑफ दैट वेरी सिलसिला, बट येस इट इज़ ट्रू के इस यहाँ से काफ़ी बरगजीदा शख्सियतें थी जी, उलमा हजरात ही मशाइख थे, वो निकले रहते हैं। एंड आप ये भी मान लें कि उस ज़माने में लोगों का भी आना था यहाँ पे। सो अब ये कहना कि स्टूडेंट्स ताशकंद से आए थे यहाँ पे, कहीं तो हवाला मिलता है कि कश्मीर से उलमा हजरात हैरात जाते थे पढ़ने के लिए। आई मीन आपकी तो एक मिसाल है ये शेख याकूब सरफी, या इवन बाबा अली रैना, उनका भी काफ़ी जिक्र आ रहा है कि वो कश्मीर से बाहर तब हुसूल इल्म के लिए गए। बट हाँ ये भी था कि जो लोग यहाँ आते थे वो यहाँ दरस लेते भी थे, हो सकता है कुछ देते भी थे। सो इट्स नॉट टोटली, यू डोंट हैव द माइन्यूट डिटेल्स टू से कि कौन कौन हजरात यहाँ से फारग इल्म तहसील इल्म करके निकले। मदीन साहब बेसिकली मस्जिद है एंड उसके साथ एक रोज़ा है एंड देन एक हमाम की बिल्डिंग है। जो हमाम की बिल्डिंग है वो एएसआई ने, ये सॉरी स्टेट आर्काइव्स ने रिसेंटली रिक्रिएट की, वो बेसिकली 19वीं सदी में थी। तारीखी जो मस्जिद है वो मदीन साहब की मस्जिद है, जो अगेन आप अगर आप देख लें बादशाह के वक्त ही है। सो बादशाह का ज़माना विच इज़ अराउंड 1420-30 के अराउंड, ऑलमोस्ट 15th century आने हो 100 साल मुसलमानों को कश्मीर में हुए बहसत हाकिम। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें इसकी तामीर बिल्कुल हूबहू वैसी है जैसे कि एक रिवायती, जैसे मैंने कहा था मंदिर की थी। सो काफ़ी इसका जो इंटरप्लेचर है, यानी अगर तुम पूछो आतिस मोरक्ष इशवारा 14 फुट, ठीक है, जितनी नहरान काफ़ी अहम की अहम शक्ल जिस सूरत से इस हूबहू, जैसे इस आलची में जो टेंपल मैंने आपका जिक्र किया था पहले, बिल्कुल उसका भी जो ये डिटेल है वैसी ही है जैसे ही है। एंड याद था नाइक आलची किस टेम्पल कशरन हुन ओल्डेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वुडन आर्किटेक्चर, यह चु कशो बनोमुत मगर यह लद्दाखस मे तमो बनोम एंड डेज टू 9th century। सो तुम अगर वो अमिच तमीर सो ईव्स या इस मोरक वोरक सो तसे इस मदीन साहब नीचे सह तसे इत पामपुर मीर मोहम्मद हमदानिया सत मस्जिद वाबस्त मीर मस्जिद शायद कशीर मज व सारे खुद पुरान मस्जिद है तथ मज तुम बिल्कुल हूबहू सेम अत बिल्डिंग मज बे मुनफरद चीज़ के अत आव अ दरवाज बना इस मुगलों बनो यह या वन क्या कर जफर खान एहसन बनोमुत या नवाब इब्राहिम खान बनोमुत बनोमुत तथ पे टाइल लागन तो यम टाइल पाकिस्तान में सिंधस में थट्टास में मिला बेशर मज मिलान। सो यम बेसिकली अथ पे टाइल आमत इस्तेमाल कर बेसिकली इंसान नुमा शक्ल बेसिकली जोडियक साइन सजिटेरियस तमुक अकास कर वनकें टाइल अतन मौजूद कह दुनिया कें वन म्यूजियम मज कशीर हंदिस म्यूजियम मगर दिस इज वाहिद आस्ताना येतन तुम मिलो अकिस इंसान सन शक्ल छबि। कश्मीर में आम तौर पे मुल्ला आखुंद से जो मस्जिद वाबस्ता की जाती है ये दो मस्जिद है, एक गांदरबल में है एक काठी दरवाजे के पास है। काठी दरवाजे के पास बिजाती तौर पे दो मस्जिदें हैं, एक नीचे है जो मस्जिद दारा शकून ने बनाई है। अगर आप वहाँ जाए आप देखेंगे वहाँ पे अभी भी एक खुतबा लगा हुआ है जो उसका नाम सन तामीर और इसकी वाबस्ती दारा शकून के साथ जो है वो उसका जिक्र किया जाता है। मस्जिद में मस्जिद व हमाम लिखा गया, सो इट मस्जिद एंड उसके साथ हमाम भी है। इट्स वेरी यूनिक, इसका आर्किटेक्चर काफ़ी डिफरेंट है। ये बिल्कुल नीचे है जहाँ पे आप मखदूम साहब के लिए शुरू होते हैं, जहाँ पे पहली ये सीढ़ी शुरू होती है मखदूम साहब के पास, एक स्टोरी मंजिल है, ये दारा शकून ने बनाई थी। जब आप ऊपर चढ़ते हैं जो मस्जिद है ये एक्चुअली मलशाह मस्जिद कहते हैं, मलशाह मस्जिद जिस बना ये मुला आखुंद शाह बदख्शी के लिए बनाई गई थी। बनाई गई थी शहजादी इनका क्या नाम है जी दारा शकून की जो हमशीरा थी
जहानारा बेगम, उनने ये तामीर की थी। अक्सर लोग इसको दारा शिकू के साथ वाबस्ता करते हैं, लेकिन अगर आप मुगल तारीखें देखें एंड उसमें पादशाह नामा देखें तो उसमें सीधा लिखा गया कि इसकी जो तामीर थी वो शहजादी जहानारा बेगम ने कराई थी मलशाह के लिए, मुला आखन मुला शाह बदख्शी के लिए। एंड देन बाद में आई थिंक 40,000 रुपये में ये तामीर की गई थी, बाद में और 20,000 रुपये लगाए गए थे इसमें एक खानका बनाने के लिए, जहाँ पे अगर आप देखें इसकी नीचे की तबका एक है जहाँ पे हुजरे हैं लोगों के लिए। ओवरऑल बहुत जहानारा बेगम एंड दारा शिकू जो है दोनों मुरीद थे आखुन मुला शाह बदख्शी के, जो कि कादरी बुजुर्ग थे। एंड जहाँ तक आखुन मुला बदख्शी का ताल्लुक है, वो ख़ुद खलीफा था मियाँ मीर के, जो माने जाते हैं कि नॉर्थ इंडिया में उस वक्त औरंगज़ेब के वक्त शाहजहाँ के वक्त बेसिकली कादरी सिलसिला के शेख थे। सो अगर आप ओवरऑल देखें तो ये एक ऐसी मस्जिद है जो काफ़ी यूनिक है, क्योंकि एक क्वाड्रेंगल, एक छोटी सी मस्जिद है, उसके बाहर और भी हुजरे हैं। सो क्वाड्रेंगल विद इन द क्वाड्रेंगल है। अगर अगर देखें अभी भी, अगर आप जाएं इसके अभी भी तबकात हैं जो नीचे की तरफ, यानी आपकी जो सॉर्ट ऑफ सदर्न साइड है उसमें नीचे की तरफ सॉर्ट ऑफ जैसे आपके मुगल गार्डन है वैसे टेरेसेस नीचे जा रहे कलाई की ओर, वहाँ पे नीचे एक कुआं भी है, आर्टिजन वेल है, क्योंकि जो बेसिकली हुआ कर रहा था कि जो मखदूम साहब के यहाँ पे तालाब है उसके लिए पानी यहीं से लाया जाता था, नीचे एक वेल था वहाँ से फिर वो पानी दिया जाता था ऊपर मखदूम साहब के यहाँ पे, जो जो अगेन तालाब है दारा शिकू से वाबस्ता, उन्हीं के नाम से वाबस्ता। तो यहाँ तक ये तामीर है ये पूरी मुकम्मल ना हो सकी, क्योंकि हसूल तख्त के लिए दारा शिकू एंड औरंगज़ेब के दरमियान लड़ाई हुई जिसमें दारा शिकू मारा गया। उसके बाद जहाँ तक मुला शाह का ताल्लुक है उनकी दरबार तलबी हुई और उनको लाहौर बुलाया गया, फिर उनको वापस कश्मीर आने नहीं दिया गया। सो फन तामीर के लिहाज से इसमें और पत्थर मस्जिद में काफ़ी मुनासिबत है, जो डिटेलिंग है वो काफ़ी सिमिलर है। एंड विच इज़ अगेन अक्कासी करी कि ये दोनों मस्जिदें शाहजहानी वक्त की है न कि जहांगीरी वक्त की, खासकर जहाँ तक पत्थर मस्जिद का ताल्लुक है। जहाँ तक मुगलों का ताल्लुक है तो बेसिकली पहला हमला तो बाबर के वक्त पे हुआ है, बाद में जब हुमायूं यहाँ से फरार हुए तो मिर्ज़ा हैदर तुगलक जो कि इनके ये अंकल थे वो कश्मीर आते यहाँ पे हुकूमत करते, दूसरी बार पहले भी वो एक बार आए थे बट उस टाइम पे वो वाली काशगर की तरफ से कश्मीर आए थे। तो मुगलों का कश्मीर में हमेशा एक सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट रहा था, लेकिन जब आप देखें अकबर के वक्त तक ये इंटरेस्ट सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेट हो गया एक वसीय ममलिकत या वसीय एम्पायर के हवाले से। तो दिस इज़ अ पीरियड जब मुगलों का होल्ड साउथ एशिया में कंसोलिडेट होने लगा, एंड जब अकबर सॉर्ट ऑफ एज वी कम नियर टू 1560s यू सी की ही स्टार्ट्स यूजिंग हिज अथॉरिटी, ही कम्स आउट ऑफ दिस रीजेंसी। तो उस वक्त बेसिकली एक आइडिया था कि जो मुगल सल्तनत है ये गस एक्सपैंड, अगर ये एक्सपैंड गस ये गस हर साइड के तो गो तो थी या मुख आख हदफ कशी तो रो। सो बेसिकली वानुक मतलब चूँकि उस वक्त हालात तथ मज उस मुगलन ये पूरे बासान के कशीर है शो सोन अखिस खास कर क्या ये तो मिर्जा हैदर तुगलक सन वक्त हिमायूं सुंद नाव मज खुतबुत आमुत पर् बे सिकत आमुत कर तिंदिस नाव मज। सो ओवरऑल उस दिस एक्सपेंशन ऑफ द मुगल एम्पायर विच हैपन विच वॉज बाउंड टू हैपन, बट अगेन अत पीरियडस मज के सेक्टेरियन टेंशन तो यम थोड़ा प्ले गए अत कन्फ्लिक्टस मज। बस काश इत कि अगर तुम पत्थर मस्जिद तामीर करो तो करो क्या, अगर करो तो करो कतन तो क्या करो। बेसिकली आर्किटेक्चर इज अगेन अ वेरी पावरफुल सिंबल, यह कुन मुल्क कुन ममलिकत कुल सल्तनत या कुन फर्द सज ताकत तो इजहार। अगर तुम वो रिसेंटली द एक्सपेंशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ पावर ऑफ अ न्यू इंडिया, ठीक है यह हर जगह गसान यह हर वक्त मज ग हर कह बादशाह हर कह हुकुमरान हर कह साहिब इकदार शो आर्किटेक्चर यूज़ करान पनन इमेज प्रोपगेट करनिश पनन एम्पायर प्रोपगेट करनिश। वन जो तन अगर बे अगर पत्थर मस्जिद जिक्र करो तो बात यही है कि अगर ज़रूरत थी क्या थी जितने भी तस्करे हैं उनसे यही मालूम होता है कि कश्मीर में खासकर जो शहर श्रीनगर की जो आपकी मुसलमानों की पॉपुलेशन है खासी राइट बैंक पर थी, नॉट ऑन द लेफ्ट बैंक जिस जहाँ पर यह मस्जिद तामीर की, इसीलिए तो वहाँ तामीर भी की क्योंकि इलाका था राइट बैंक वॉज काफ़ी कंजेस्टेड। जहाँ तक कश्मीर में हमारा रिवायती सॉर्ट ऑफ तर्ज है मिजाज है कि अगर आपको मस्जिद छोटी पड़ी तो आप उन्हीं को एक्सपैंड करते हैं, ये अभी भी हो रहा है मीना उसी मस्जिद को बढ़ाते या कहीं दूसरा तबका चढ़ा देते। तो क्या ज़रूरत थी एक और मस्जिद बनाने की वो भी शहर के बीचों बीच,
एंड क्या ज़रूरत थी कि वो ऐसी तामीर करने के लिए जो बिल्कुल मुनफरद थी, अलग थी, बेगाना थी उस तर्ज तामीर से जो कश्मीरियों ने बनाई थी। आप देखिए आर्किटेक्चर में हम मटेरियल का भी जब जिक्र करते हैं तो मटेरियल अच्छा हर कोई पानुन अख वजन आसान बगैर इत कहीं ना कोई हर का मटेरियल चु पन कथ वन अगर लकर वो रवायती पे तामीर से मुसलमान पे तामीर यह लकर मज लकर नार तो लगा तो लोग तो वह मस्जिद खानक लोग जामा मस्जिद सो इट्स अ वेरी इम्पेरिश इट्स अ पेरिशबल मटेरियल यानी यह हमेशा रोजन वोल कह अम मुनासबत अगर तुम कन वो कन नोशन यह कन हमेशा रोजन वो सो वेंस यू डू अस वन आइकनोग्राफी पब्लिक आइकनोग्राफी अत मे तुम बेसिकली ये आसान हाँ कि यह मुगलन तलम तामीर मस्जिद से इत कना ना कि इतन तुशो बनम तो इस तर्ज तामीर इस फन इस मुगल सल्तन अक्स तो यह रोज हमेशा खतर यह महकम यह मिटन पे जहाँ मगर अगर पोतस वो चाहे क्या तो दासान कशो बनो हकीकत यह है कि कश्मीरीज वर नॉट इन दी ए प्रोसेस ऑफ यूजिंग दिस मॉस सो दिस मॉस हैज मोर और लेस रिमेन्ड लिटिल यूज आई मीन इट्स रिसेंटली इन द 90s दैट दे स्टार्टेड ऑफरिंग कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर्स अगेन इन द मॉस सो ओवरऑल यू विल फाइंड दैट दिस मॉस इवन इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ मेजर एक्ट ऑफ मुगल आर्किटेक्चुरल पॉलिटिक्स इन द सिटी डिड नॉट अक्वायर अ सर्टन रेजोनेंस विद द लोकल पीपल यानी यह मुगलन तोहफ कशन खुद मगर यह तोहफ ये तथा हदस तान कबूल आ कर इत मुगलो आसा समझमुत कशो कर पनो उपोर दुपोर मस्जिदन मज कना तिमन पर्क नमाज तिमन खानकह पर्क न कि अत मस्जिद मज सो योतान जहाँ तक बारिस्तान शाही का ताल्लुक है सो इट मेक्स अ मैंशन ऑफ बाबा बुलबुल हु इज़ अ बुजुर्ग हु इज़ अ सूफी फ्राम द सोहरवदिया ऑर्डर इट मैंशंस हिम एज बींग अ मुरीद ऑफ शाह नियमतुल्ला वली हु इज़ ऑफ महान ईरान में एंड इट मैंशंस अबाउट द फैक्ट दैट कि जब रिंचना एंड इनकी आपस में बातचीत हुई एक घाट पर तो ही मैंशंस कि आई एम फ्राम द रिलीजन ऑफ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड फ्राम द तरीक़े ऑफ मुर्तज़ा सो दिस इज़ बेसिकली दी इंफॉर्मेशन यू गेट फ्राम द बारिस्तान शाही बट मैं जनरली ये भी कह दूँ कि जहाँ तक बुलबुल शाह का ताल्लुक है आई मीन तारीख में आप उनको सैयद शरीफुद्दीन भी कहते हैं सैयद अब्दुल रहमान भी कह रहे हैं तुर्कस्तान से भी कह रहे हैं अर्दबील से भी कह रहे हैं लेकिन हकीकतन वी डोंट हैव दैट इंफॉर्मेशन कि ये कौन थे कहाँ से थे किस सिलसिले थे इनफैक्ट इवन जो एसोसिएशन साहिब बारिस्तानी शाही बुलबुल शाह एंड शाह नियामतुल्ला वली के दरमियान करते ये तारीखी तौर पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये हो ही नहीं सकता सो ओवरऑल मैं कहना चाहता हूँ कि बारिस्तानी शाही या बाकी जो तारीखी हैं जो लिखी गई हैं जो आज हमारे पास मौजूद है ये 17वीं सदी में लिखी गई 18वीं सदी में लिखी गई है बुलबुल शाह का जो तारीखी वाक़ा है वो 14वीं सदी में हुआ है जो 14वीं से जब आप 17वीं सदी में आ रहे हैं इसमें 200-300 साल का फ़र्क है 3 सदियों का फ़र्क है तो 3 सदियों के बाद आप क्या लिखना चाहते हैं वो उस सदी पे मुनहसर है जिसमें आप ये लिख रहे हैं एंड बाकी के जो मौरखीन हैं उनने कुछ रिवायतों में इजाफा किया कुछ कमी की और उसी को आगे बढ़ाया बट हिस्टोरिकली आई थिंक देर इज़ नॉट मच एविडेंस दैट वी कैन पोजिट हु बुलबुल शाह वॉज वेयर फ्राम ही वॉज एंड एक्चुअली हुआ क्या उस ज़माने में हाँ कुछ दास्तानें हैं कुछ किस्से गोइयाँ हैं जो उनके साथ मंसूब है जो अब तारीख का भी हिस्सा बनी है बट हाउ एक्यूरेट इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड सो ये एक कुतुब अहादीस है शियों के असूल काफ़ी इट्स लाइक आई वोंट से सही क्योंकि शियों में सही हदीस का किसी को दर्जा है नहीं एज अ बुक बट इट इज़ सॉर्ट ऑफ समवर सिमिलर एज अल तसल्लुम में सही को दर्जा है तो काफ़ी मोतबर मानी जाती है उसमें एक जिक्र है कि एक अबू हिंदी थे कश्मीर से थे अपने 40 असाब से लेके ये बलख गए एंड बलख अगर इस ज़माने की आप बात करें बलख हनफी मसलक का खासा गढ़ माना जाता था तो कहा जाता है कि ये कश्मीर से निकले तो गालिबन हिंदू थे बलख पहुँचे तो बलख में इनने इस्लाम कबूल किया और हनफी मसलक के साथ वाबस्ता हुआ फिर बलख से ये बगदाद चले जाते जहाँ इस तस्करे इस सॉर्ट ऑफ खबर जो वहाँ पर इस हदीस में आई है उसके हिसाब से ये इमाम महदी से मुलाकात करते एंड देन इमामिया फ़िक्के में आ जाते सो दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ रेफरेंस विच इज़ बेसिकली सेइंग कि मैं इस इवेंट की हकीकत तारीखी हकीकत पे नहीं जाना चाहता बट मैं कहना चाहता हूँ कि दिस शोज़ यू कि अरबों की जो तारीख साजी थी या हदीस साजी थी उसमें भी कश्मीर का एक इम्प्रिंट था यानी कश्मीर इज़ देयर इन देयर इमेजिनेशन एंड ये एक और किताब है किताबुल अजाइब
उसमें भी कश्मीर का ऐसे ही तस्करा आ रहा है. अगेन दिस इज़ फ्रॉम अ पीरियड विच इज़ 9th century और इवन अर्लियर. सो दिस इज़ अगेन शोइंग के देर वॉज सम इंटरेक्शन बिटवीन कश्मीर एंड द वाइडर मुस्लिम वर्ल्ड इवन बिफोर 13th century. देखिए अफगान पीरियड तो पुरआशोब है तमाम कश्मीर के लिए एक हिसाब से. अगर आप तारीखें देखें जो लिखी गई है इसके बाद की पीरियड की, इवन जो हमारे पास यूरोपियन ट्रेवलॉग्स हैं इस वक्त के जो विजिटर्स थे इस पीरियड में आए, वो भी मेंशन करते हैं कि एक तो वो मुगलों का शाहाना वक्त था, अब ये मुसीबत है कश्मीरियों के लिए. बट देन ख़ासकर इनमें भी कुछ ऐसे सूबेदार गुजरे, कुछ ऐसे हजरात गुजरे जिनके वक्त में शियों के साथ काफ़ी मुतासबाना रवैया अपनाया गया. इसकी एक ये है कि काफ़ी शहर में शिया सुनी फसाद हो गए, जिनकी वजह से इस पीरियड में मरसिया खानी करना मना था अफगान हुक्मरानों की तरफ से. तो कश्मीरी जो मरसियाँ इस वक्त की हैं उसमें से ये जिक्र मिलता है कि हम रसूलुल्लाह के नवासे के लिए आहो बका भी नहीं कर सकते क्योंकि वक्त के हाकम ने उस पर एक हिसाब से मनाई की है. सो सकोन वजित रसूलुल्लाह से जिस नवास बैठती. सो ये शुत मिलान ये इशार मिलान दिन चीज़ अगर तुम विंथ जेड बलस मज़ गो वहाँ पर अभी भी काफ़ी पुराने मकान हैं. देर सम ऑफ देम आर वेरी ब्यूटीफुल मकान जो अब तक बचे हुए, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर तहखाने हैं. तो अभी तो ये मोस्टली एज अ स्टोर यूज़ किए जाते हैं बेस पर, बट जो स्टोरीज इन फैमिलीज में कि मुहर्रम के आयाम में, बिकॉज खास या पहचान है कि आप मुहर्रम में गिरिया करें इमाम हुसैन के लिए. सो वो कहते हैं कि यहाँ पे चुप के आहिस्ता आहिस्ता मरसिया पड़ी जाती थी ताकि किसी को मालूम ना हो जाए और आवाज़ बाहर ना जाए जो कि सॉर्ट ऑफ फसाद की वजह बन सकती है. सो ये एक चीज़ थी जो लोकली आप ये कह सकते हैं कि शिया स्टार्टेड रिस्ट्रेनिंग फ्रॉम एक्सप्रेसिंग एनी डिस्टिंक सिंबल ऑफ शियाज़म पब्लिकली, यानी पब्लिक में इजहार न करें अपनी शियत का. दूसरा जो हुआ विच इन द लॉन्गर टर्न टर्न टू बी अ सॉर्ट ऑफ अ गुड थिंग फॉर द कम्युनिटी इज़ के काफ़ी लोग यहाँ से हिजरत करके गए, एंड ये एक हिजरत आपकी स्कर्तो गिलगित की तरफ गई, बट दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट थी वो अवध की तरफ गई क्योंकि उस वक्त अवध में एक शिया किंगडम का वजूद आया था. तो आप देख सकते हैं कि कश्मीर के दो कश्मीरी नजात हजरात नवाब तफजुल हुसैन खान एंड हकीम मेहदी ये अवध में वज़ीर आज़म बने, वज़ीर आज़म के अहदे पर आए. इसके साथ साथ काफ़ी कश्मीरी शिया उलमा भी अवध गए, उनने अवध में काफ़ी चीज़ें सॉर्ट ऑफ अफ्रीका इमामिया शिया मजहब को फैलाने में काफ़ी रोल अदा किया. इनफैक्ट जो अवध में पहली बार नमाज जुमा शियों ने बाज़ाब्ता तौर पर पढ़ी उसमें एक कश्मीरी शिया आलम मुल्ला मोहम्मद पातशाह का असर रहा. सो बेसिकली तो बनो कि अत वक्त यम उलमा तबके यम स्कॉलरली एलीट कश्मीर में यहाँ मज आलिम यहाँ मज फाजिल यहाँ मज शायर दरबार खातर सॉर्ट ऑफ वसूली खातर सॉर्ट ऑफ पेट्रोनेज खातर बाकी चीज़ों खातर गए अख माइग्रेशन यहाँ टुवर्ड्स अत कशोना अवध. सो दैट वाज आल्सो अनदर वे इन विच दे सॉर्ट ऑफ अकोमोडेटेड द रिप्रेसिवनेस ऑफ द पीरियड. लाहौर में एक मोहल्ला शियान, ये ज़्यादातर इसके जो मस्कीन हैं वो कश्मीरी शियान जो वहाँ हिजरत करके गए थे 19वीं सदी में या कुछ उससे पहले भी गए होंगे बट ज़्यादातर 19वीं सदी में. इसी तरह अवध में भी है, तो दे रिसाइट अ कपल ऑफ शिया मरसिया एंड नवा एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ तुम से जबानी ये रट कर गोट कर तुम से पाए इस वनान क्या है. इनफैक्ट अगर तुम बूझू गु तुम बसान यह कौशर किशर क्या अच्छे दिन जबान हूँ सॉर्ट ऑफ असर पेमें तुम हेकान समझ हेकान कर मगर इस इतने कमो गोटा हूँ कर्मुत यह रवायता हिश रूजम तम नश कि मज मरसी या नौहा यम दौ सतमें मोहरम या नवि मोहरम पा सो बहसत सॉर्ट ऑफ स कल्चरल लिंक कशीर सत्य यह आज तिसाइड कर. दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग, दे डोंट गेट द मीनिंग ऑफ व्हाट दे आर सेइंग. इट इज़ जस्ट समथिंग दैट दे आर रिसाइटिंग बिकॉज इट हैज़ बीन रिसाइटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड दिस इज इन अ वे द ओनली लिंक दैट दे मेंटेन विद द हिस्ट्री ऑफ देयर बीइंग कश्मीरीज. देखिए इफ यू सी कशीर मंस लास्ट मेजर शी सुनी फसाद गो दिस इज 1872 or 73 आई डोंट रिमेंबर द डेट एग्जैक्टली बट ये महाराजा रणबीर सिंह के वक्त होगा. तो इसमें काफ़ी नुकसान हुआ शियों का गालिबन नुकसान हुआ था बट उसके बाद सुनियों का भी हुआ काफ़ी उन पर जुर्माने हुए काफ़ी कैदोबंद भी हुई. बट ओवरऑल यू गेट अ फीलिंग कि दिस इज़ अ पीरियड के
slowly both communities start understanding ki yuse aapsi rasa kashi che paanwan yus musargi che it is bai se nuksan for both of us and they also start realizing ki maybe we are under an oppressive non-muslim ruler who start getting both of us so this is a pehchan which comes gradually into the community isme kafi mehrqat ho sakte how it happened not everything is being documented not all the people are documented but gradually it I think starts from the elite of the two communities jo do communities ke sahib iqtidar hazrat hain jinme darbari hain jinme tajir log hain unme ye sort of because dono ka nuksan hua they realize ki this is not something that is working for our benefit and then they also realize ki at a certain point both of us are being discriminated as Muslims चाहे हम एक दूसरे के शिया सुन्नी देख लें बस जहाँ तक के दरबार का ताल्लुक है एक हिंदू दरबार है वहाँ पे हम एक मुसलमान की हैसियत से देखे जाते हैं एंड हमारे साथ जो सॉर्ट ऑफ इस तासुब चीवान रवा कर दी शायद दोनों नहीं सकती सो दिस इज़ अ दिस ग्रेजुअल अंडरस्टैंडिंग कि शहरस मज गसा अमन करीम शहरस मज गसा पान सॉर्ट ऑफ मुसल की काम पान दिस स्टार्ट्स ग्रेजुअली सो अगर आप देखें कि मीर वाइज रसूल शाह साहब उनकी तरफ से अंजुमन इस्लामिया कायम की जाती है पुशिवा स्कूल तो बना तमिक आका इजलास शु गसान तब तो सॉर्ट ऑफ एनुअल पेपर नेरान ठीक है तुम से बेसिकली एनुअल नंबर नेरान तथ मे तुम वनान कि आज हज जलसा अति क्या दपान इस्लामिया स्कूल यथ मज शो तो अहल तशियो तो बोड हिस् नु तो यह कौमी कम समझ तो सारे खुद बड़ी डेट इस शहर मज आम लागन यह कमांगर पुर शो यूज़ कर सो अगर आप देखें इससे पहले शियों के लिए ज़्यादातर सुनी अगर तारीखों में लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है राफजी का यूज़ किया जाता है यहाँ पे यू आर मेकिंग दैट चेंज फ्राम राफजी टू अहल तशियो सो देर इज़ अ जनरल अकोमोडेशन ऑफ दिस सेकेंडली देन एज वी प्रोसीड थोड़ा और आगे जब हम लेट्स से 20वीं सदी के आगाज़ में आते हैं देन दिस बिकम्स अ ग्रेजुअल पॉलिटिकल मूवमेंट जिसमें एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है 1923 और 24 में अत वक्त मुशासन बेसिकली ये थे गुमत सैर कल्चर के मुलाजमन सॉर्ट ऑफ हड़ताल तिमन पे वहाँ पोत बैन चार्ज कर हरी सिंह के तरफ देर इज़ अ शहर में तनाव एंड इसी वक्त पर वाइसराय का भी शहर में आना होता है तो डोगरा गारमेंट जो है जो आशूरा का जुलूस है उस पर वो पाबंदी लगाती है उन्हें कहती है कि सुबह ही नहीं रहो आफ्ताब खास में ब्रूह खास में कदीम जिते कदीर हुई उस वक्त शिया रिफ्यूज़ एंड दे आर बेसिकली हेल्प बाय ख्वाजा सादुद्दीन शौल जो एक सुनी बुजुर्ग होते हैं खानियार के शौल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं एंड देन एक मुतहिदा मुसलमान जुलूस आशूरा के दिन निकलता है नमचबल से निकल के जडीबल जिसमें कि दो अलमें निकाली जाती है आसार शरीफ शहरी कलाशपुरा से ये पहले जडीबल जाता है एंड जडीबल से बाद में ये एक सुन्नी आस्थान पे नरवरा जाता है ठीक है जी नरवरा के आस्थान पे जाता है वहीं पे इस्लाम पजीर होता है सो यू कैन ऑल्सो सी कि हाउ देर इज़ अ मूवमेंट टूवर्ड्स या तो वनो सॉर्ट ऑफ मुस्लिमनेस या मुस्लिम यूनाइटेड फेस ये वार वार गसान तो एंड देन अगेन इसी पीरियड में आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे काफ़ी लोग हैं जो तालीम याफ्ता हैं जो अब मगरबी तालीम से स्कूलों से निकल के आ रहे हैं तो उनमें भी ये समझ आ रही है अलीगढ़ मूवमेंट का भी खासा असर है अलीगढ़ मूवमेंट शासन विच इज़ अगेन सर सईद अहमद का दिस नोशन के यू वर्क टूवर्ड्स अ पैन इस्लामिक यूनिटी एंड यू सॉर्ट ऑफ मिनिमाइज योर डिफरेंसेस शिया सुन्नीस इसमें इस वक्त के काफ़ी उलमा हजरात का भी दोनों तरफ से जो उलमा हजरात है दे ऑल्सो रियलाइज कि इट इज़ बेटर कि डिफरेंसेस जो हैं उनको मेंटेन किया इनको सॉर्ट ऑफ मैनेज किया जाए कि अगर पानवन के मज ये सॉर्ट ऑफ फ़ाना इख्तलाफ़ है ये गस तीता महदूद है कत गए तीता गस गसन गसन अमुक असर गोस न पेन पानवन महलन मज गलियन पे शहर शहरस मज युत अक्स वथान बहान तमिक तुम मिलो कि अत वक्त मन ये बोड कुतुब खान द प्रीमियर पब्लिशिंग हाउस गुलाम मोहम्मद नूर मोहम्मद कुतुब फरोश महाराज गंज के किताब कड़ान फारसी कौशर वगैरह अत मम कड़ान मरसिया शहादत इमाम सो दैट इज़ अगेन बेसिकली यहाँ सुन्नी शेरन तो शियन शेरन मरसी इमाम हुसैन तो इमाम हसन सिंदिस शहादत पे लिखना आम गई कन रोजतुल शोदा विच इज़ बेसिकली वाइज कासफी का उसकी सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल निकलो सुन्नी शेरो तो वह सो बेसिकली यू कैन सी दिस इज़ अकोमोडेशन दैट इज़ हैपनिंग एट मल्टीपल लेवल्स हाँ बीच बीच में टेंशन भी हैं वी कैन नॉट इग्नोर दैट देर नॉट एनी पीरियड ऑफ टेंशन आई डू मैंशन इट बट इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड असिमिलेशन विच हैपन्स
in the late 19th century and then in the 20th century. One of the persons who's I would say the founding figure around whom this centers is Khwaja Saduddin Shah, which is basically because Iran's most archies are to manage talar. Talar so talan gasan talan pe dalan gasan dalan jo school shor rivayati dalan chu ye kya shasan shasan lakrin nan thamat pe talwa hi os asan atas bar bar shaklat banu khan ka sim porticos chu ya chit dishn side tum dab doyo side tum to shu tu dalan ni wala magar main jis dalan wala chu su chu us al masjid nibar kin chu thik has asu ni chu don column hande drone pe chu ta chu talob dit You should basically Isfahan's mas, Iran's mas, or Judas mas Ivan. But you should amish sort of what Gishivan adopt karna Mughals pani tamir's mas, Shah Jahan's waqt's mas. So there are these pillared halls which are a part of Shah Jahan's architecture. Taite petri ya amish asibilan example Shalmar's mas, Nishat's mas. So she potus var var Kashir's mas revived pani tamir's mas to banan. Yato tha early majuton taluk shud do. گۄڈنِچ تعمیٖر یۄس چھِ گٔمٕژ یہِ چھِ سُلطان حسن شاہ سٕنٛدِ وقتہٕ گٔمٕژ ٹھیٖک چھِ حظ یُس شہمیٖری دورُک بادشاہ اوس پَتہٕ دٔز یہِ جہانگیٖر سٕنٛدِ وقتہٕ دٔز تہٕ تَتھ وقتَس منٛز یُس اَتھ اثر نو تعمیٖر گٔے تَتھ منٛز آسَن مُغل اثرات تَمہِ پَتہٕ تہِ چھِ اَتھ آمٕژ واریاہ ایڈِشَنٕز آمٕتۍ کَرنہٕ اِنفیکٹ اَکھ نِسبت یۄس چھِ اَمہِ کِس ناوَس عالی مسجِدَس چھِ کہِ یہِ چھِ ذرا علی مردان خانَن اَتھ کینٛہہ ایڈِشَنٕز کٔرمٕتۍ اِمپرٛوٗمٮ۪نٛٹ کٔرمٕژ تَوَے چھِ اَتھ عٲل مسجِد وَنان عٲل مردان خان عٲل مسجِد دو کینٛہہ مورخیٖن چھِ اَتھ سُلطان علی شاہ سۭتۍ تہٕ مُنسلِک کَران مگر سۄ چھَنہٕ تاریٖخی حقیٖقت کینٛہہ کیٛازِکہِ یۄس اَتھ أنٛدرٕ کٔنۍ چھِ لٔگِتھ تَتھ چھُ سُہ سیوٚد سُلطان حسن شاہ سُنٛد ناو لیکھِتھ ییٚمہِ گۄڈنِچ لَٹہِ تعمیٖر کٔرمٕژ چھِ